हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम प्रेपोजिशन एट के सारे यूसेजेस मास्टर करने वाले हैं। हम वो सारी सिचुएशंस देखेंगे जहां पर प्रेपोजिशन एट को यूज करा जाता है। तो लेसन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड तक जरूर देखना। आई एम एक्साइटेड। अनदर गाइस टू लेट्स डू इट। Alright everybody, the very first usage of the preposition at is to tell where somebody is. अगर आपको किसी की location बतानी है, आपको ये बताना है कि कोई व्यक्ति कहाँ पर है, right? किस जगह पर है, specific location, तो आप at का use करके उसकी location बता देंगे. For instance, at a coffee shop, कोई coffee shop पर है. At his place, कोई उसकी जगह पर है. At the main gate पर. At the library, library पर, right? तो हम at का use करके किसी की जगह बताते हैं, location बताते हैं. Examples देखिए. I am waiting for you at the shop. मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ shop पर. अब ध्यान से इसको समझो. देखिए, अगर जिस जगह पर आप हैं, उसके अंदर स्पेस है, वो एक रूम की तरह है, कोई शॉप है, कोई घर है, कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, मतलब आप उसके अंदर जा सकते हो. तो एट का अगर आप यूज करते हो उसके साथ, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप उस जगह के अंदर हो, बाहर हो, साइड में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, बट आप उस जगह पर हो. अगर मैं कहता हूँ मैं शॉप पर हूँ, आई एम एट द शॉप, इसका मतलब है अगर आप शॉप पर आओगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा, चाहे बाहर बैठाऊंगा या अंदर बैठाऊंगा, मैं वहीं पर हूँ, राइट? अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना है कि आप शॉप के अंदर हो, अगर वो जगह के अंदर स्पेस है, और अगर आपको बोलना है कि मैं उस जगह के अंदर हूं, तो आप इन का यूज करिए. आई एम वेटिंग फॉर यू इन द शॉप. एट का यूज करोगे तो मतलब ये आएगा कि आप वहां पर हो, जगह पर हो. अंदर भी हो सकते हो, बाहर भी हो सकते हो. अगर जगह है तो जनरली अंदर ही होगे, बट अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना है आप अंदर हो, तो आप इनका यूज करिए, राइट? जॉन इज एट द बस स्टैंड. जॉन बस स्टैंड पर है. आप बस स्टैंड पर जैसे ही पहुंचोगे, बस स्टैंड के पास ही है वो, वहीं दिख जाएगा आपको. बस स्टैंड पे बैठा होगा, खड़ा होगा, बगल में होगा, राइट में होगा, बस स्टैंड के बगल में ही होगा, पास ही होगा, आपको दिख जाएगा एट द बस स्टैंड. और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. Someone is at the gate, please open the gate. कोई गेट पर है, गेट जाके खोली. अब देखिए, गेट ऐसी जगह है, कोई स्पेस तो होता नहीं है, तो गेट पे आप जैसे ही पहुंचेंगे वो व्यक्ति आपको दिख जाएगा. Someone is at the gate, specific location. At का यूज करके हम स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं उस व्यक्ति के. लीव द कीज एट द रिसेप्शन. कीज को, चाबियों को रिसेप्शन पे छोड़ दीजिए. लीव द कीज कहां पर? एट द रिसेप्शन. पर्टिकुलर जगह है, वहां पर आप छोड़ दीजिए. आई मेट हिम एट द लिफ्ट. मैं उसको लिफ्ट के पास मिला. आप समझिए, अगर आप बोलोगे एट द लिफ्ट, तो लिफ्ट के अंदर नहीं, लिफ्ट के पास, बाहर ही, लिफ्ट के करीब. अगर आप बोलना चाहते हो लिफ्ट के अंदर, तो आप इन का यूज करिए. आई मेट हिम इन द लिफ्ट. बट अगर आपको बोलना है कि पास में, तो एट द लिफ्ट बोलोगे. तो आप लोकेशन बताने के लिए एट का यूज करोगे. प्रिसाइज लोकेशन बताने के लिए, मैं होटल पे हूँ, आई एम एट द होटल. मैं शॉप पर हूँ, आई एम एट द शॉप. मैं कॉलेज पे हूँ, कॉलेज में हूँ, आई एम एट द कॉलेज. बेशक में आ रहा है हिंदी में, लेकिन आप फिर भी एट का यूज करोगे, ना कि इनका. इनका यूज तब करोगे जब आपको स्पेसिफिकली बताना है कि भाई मैं अंदर हूँ. इन, इन द होटल, इन द शॉप, इन द कॉलेज, इन माय हाउस, इन द रूम. ठीक है. दूसरा यूसेज, एट प्लस ग्रुप एक्टिविटीज और पब्लिक गैदरिंग्स. अगर आप कोई ऐसी जगह पर हो जो, जहां पर एक पब्लिक गैदरिंग है, कुछ लोग हैं, और एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, तो आप एट यूज करोगे प्लस वो जगह जो है, जो गैदरिंग है, उसका नाम लगाओगे, राइट? तो आप बोलोगे एट अ मीटिंग. मीटिंग वहां पे काफी लोग होते हैं, एक पर्पज होता है. एट अ मीटिंग, एट द थिएटर, एट अ पार्टी, एट अ वेडिंग, राइट? जितने भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी गैदरिंग्स होते हैं जहां पर लोग होते हैं और एक पर्पज के लिए होते हैं, तो एट का यूज करोगे आप इनके साथ. एग्जाम्पल्स देखिए. आई एम एट अ पार्टी राइट नाउ. मैं एक पार्टी में हूँ, पार्टी में बोल रहा हूं, तो इनका यूज फिर भी नहीं करूंगा. हिंदी टू इंग्लिश नहीं करना है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. हिंदी टू इंग्लिश नहीं करना है. आपको मतलब समझना है कैसे यूज करना है एट का, फिर आपको यूज करना. आई मेड अ पार्टी राइट नाउ. मैं एक पार्टी में हूं. तो आप देखिए, पार्टी में काफी लोग होंगे, गैदरिंग होगी, कुछ पर्पस होगा, इसलिए वहां पर है. अगर आपको बोलना है कि आप किसी जगह के अंदर हो, तो आप इन बोलोगे. इन द पार्टी, इन द हॉल, राइट? इन द स्टेडियम. बट अगर आपको बस बोलना है कि मैं यहां पर, मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां पर कुछ हो रहा है, तो आप एट का यूज करोगे. एवरीवन इज एट द मीटिंग, कम फास्ट. सब लोग मीटिंग में हैं,
आप भी जल्दी से आइए एट द मीटिंग. देखिए कुछ लोग होते हैं मीटिंग का पर्पज होता है, तो एवरी वन इज एट द मीटिंग कम फास्ट. एट अ पार्टी, एट अ वेडिंग, एट अ फंक्शन, तो इन सारे प्रोग्राम्स के साथ आप एट का यूज करोगे. इनका यूज तब करोगे जब आपको बताना है कि आप किसी जगह के अंदर हो. दैट्स यूसेज नंबर टू. यूसेज नंबर थ्री, टू रेफर टू एन एग्जैक्ट एड्रेस. अगर आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताना है, एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस, तो आप एट का यूज करके एड्रेस बताओगे. एड्रेस से पहले एट का यूज करोगे. ड्रॉप द पार्सल एट डी स्लैश 234 ज्वाइन अ वेन्यू. इस एड्रेस पे पार्सल ड्रॉप कर दीजिए. एट, एट राइट. शी लिव्स एट डी ब्लॉक पालिका बाजार. स्पेसिफिक एड्रेस बताना है तो आप एट का यूज करोगे. अगर देखिए मान लीजिए यहां पर हाउस नंबर नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता और केवल रोड रोड का नाम होता, तो हम ऑन का यूज करते. अगर रोड का नाम है केवल तो आप ऑन बोलोगे, ऑन ट्रेन वेन्यू राइट. तो एग्जैक्ट एड्रेस से पहले हम एट का यूज करेंगे. दैट्स यूसेज नंबर थ्री. यूसेज नंबर फोर, बिफोर प्लेसेस फॉर देयर प्राइमरी पर्पसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी. अ लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स हियर. देखिए बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, वर्क प्लेसेस होते हैं, जिनके पहले हम एट का यूज करते हैं अगर हम उनके प्राइमरी पर्पस की बात कर रहे हैं. अगर आप बात करें स्कूल की, कौन सा स्कूल, ये नहीं अपने स्कूल की बात करें और उसके प्राइमरी पर्पस की बात कर रहे हो, किसी और काम की बात नहीं कर रहे हो, प्राइमरी पर्पस की जो वहां पर होता है उसकी बात कर रहे हो, तो आप एट स्कूल बोलोगे, एट कॉलेज बोलोगे, एट वर्क बोलोगे, एट कंपनी का नाम वो बोलोगे, ऑफिस का नाम वो बोलोगे राइट. एग्जाम्पल्स के साथ, सिनेरियोज के साथ इसको समझो. आई पार्टिसिपेटेड इन मेनी कॉम्पिटिशन्स एट स्कूल. स्कूल में ना मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा. अब स्कूल में देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि कौन से स्कूल में करा. एट आ स्कूल नहीं बोल रहा, दा स्कूल नहीं बोल रहा, माई स्कूल नहीं बोल रहा, मैं किसी भी डिटर्मिनर का यूज़ नहीं कर रहा राइट. बोलने के मैं बोल सकता हूँ कि आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी कॉम्पिटिशन्स एट माई स्कूल, तो एट नहीं बोलूंगा, इन माई बोलूंगा. एट का यूज इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं पहली बात तो एक ही स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेरा स्कूल राइट, और उसके प्राइमरी पर्पस की बात कर रहा हूँ. आई पार्टिसिपेटेड इन मैनी कॉम्पिटिशन्स एट स्कूल. आई एंजॉयड बींग एट स्कूल. मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगता था राइट. आई एंजॉयड बींग एट स्कूल. आई हेटेड बींग एट कॉलेज. कॉलेज में मुझे बहुत गंदा लगता था राइट. रॉन हैज वर्क फॉर 10 ईयर्स एट गूगल. रॉन ने गूगल में 10 साल काम किया है. देखिए मैं बोल रहा हूँ गूगल में, बट फिर भी आप एट गूगल बोलोगे, एट सैमसंग बोलोगे राइट. क्योंकि आपको ये नहीं बताना उस कंपनी के अंदर, आपको ये बताना उस कंपनी में, कंपनी के साथ जुड़ के राइट. तो आप एट गूगल, एट सैमसंग की बात करोगे, क्योंकि आप उस कंपनी की बात कर रहे हो और उसके प्राइमरी पर्पस की बात कर रहे हो, किसी और की बात नहीं कर रहे. दैट्स यूज नंबर फोर. अनदर यूसेज. नेक्स्ट इज टू इंडिकेट अ डायरेक्शन. देखिए एट का यूज हम डायरेक्शन बताने के लिए भी करते हैं. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं, वैसे डायरेक्शन के लिए हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम प्रेपोजिशन एट का यूज करेंगे. दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट सिचुएशन जहां पर हम इस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. तो देखिए वर्ब्स लाइक वेव, स्माइल, लाफ, शाउट. वेव किसी को हाथ करना, स्माइल किसी को देख के हंसना, लाफ मतलब मुस्कुराना, लाफ हंसना जोर जोर से, और शाउट चिल्लाना. तो हम ये सारे जो एक्टिविटीज हैं हम किसी डायरेक्शन में करते हैं. आप किसी को वेव करते हो, आप किसी को देख के स्माइल करते हो, किसी को देख के हंसते हो, किसी को चिल्लाते हो किसी डायरेक्शन में. तो देखिए जब भी आप इन वर्ब्स का यूज करें और इनके आगे एक ऑब्जेक्ट हो तो एट का यूज करना इनके बाद में. स्नेहा जस्ट वेव्ड एट मी. स्नेहा ने मुझे वेव करा, मेरी तरफ हाथ दिखाया, मेरी तरफ. एट बता रहा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ही होगा. देखिए हाथ दिखा रही है, किसी डायरेक्शन में दिखाएगी, मेरी तरफ एट मी, उसकी तरफ एट हिम, हमारी तरफ एट अस. ठीक है. एवरीवन इज लाफिंग एट अस. सब लोग हर कोई हमारी तरफ, मतलब हम पे हंस रहा है. एवरीवन इज लाफिंग एट अस. हम पे हंस रहा है मतलब हमारी डायरेक्शन में राइट. हम रिसीव कर रहे हैं इसको, हमारी बेइज्जती हो रही है. स्टॉप स्माइलिंग एट हिम. उस पे हंसना बंद करो. उस पे हंसना मतलब उसकी बेइज्जती नहीं करना, उसको देख के हंसना, मतलब आप उसकी तरफ मुस्कुरा रहे. He will follow you to a house. उस पे हंसना बंद करो, उसकी तरफ मुस्कुराना बंद करो, नहीं तो घर तक फॉलो करेगा, चीप आदमी है राइट. उसकी और मुस्कुराना, स्माइल एट दैट पर्सन राइट. तो इन वर्ब्स के बाद हम प्रेपोजिशन एट का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज एट
प्लस द प्लस एक पब्लिक प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ध्यान से समझो, अगर आप बात कर रहे हो कि आप एक डॉक्टर के पास हो, एक लॉयर के पास हो, एक एक डेंटिस्ट के पास हो, पार्लर में हो, कैफे में हो, एक जगह पर हो उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, तो आप एट प्लस द उस जगह का नाम लिखेंगे। अगर वो एक कॉमन नाउन है किसी व्यक्ति के लिए तो आप अपोस्ट्रोफे एस लगाओगे। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर आप ये नहीं बताते कि आप इस जगह पर हो, स्पेसिफिक जगह, आप बेसिकली ये बताते हो मैं डॉक्टर के पास हूँ, मैं डेंटिस्ट के पास हूँ, मैं सलून में हूँ, मैं पार्लर में हूँ, मैं स्पा में हूँ, वगैरह वगैरह, एट द और वो जगह का नाम। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज एट द डॉक्टर्स। देखिए डॉक्टर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, तो डॉक्टर्स डॉक्टर के पास मतलब उसकी जगह पर, उसके क्लिनिक पे। आई वॉज एट द डॉक्टर्स, अरे यार मैंने आपको कॉल करा था यार, नहीं नहीं आई वॉज एट द डॉक्टर्स, मैं थोड़ा डॉक्टर के पास था। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा मैं किस डॉक्टर के पास था, मैं डॉक्टर के पास था, आई वॉज एट द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स डेंटिस्ट राइट, तो अपोस्ट्रोफे एस लगाऊंगा अगर किसी कॉमन नाउन है किसी व्यक्ति के लिए, राइट। सिंस दे आर एट द डेंटिस्ट, लेट्स गो शॉपिंग, चूंकि वो डेंटिस्ट के पास है, लेट्स गो शॉपिंग, चलिए शॉपिंग करते हैं। He is at the saloon. He will be back in 30 minutes. वो सलून में है। He is at the saloon. At the saloon. Apostrophe S नहीं लगाया, because saloon किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये जगह का नाम है। तो जगह हो तो apostrophe S नहीं लगाना है। He is at the saloon. He will be back in 30 minutes. वो वापस आ जाएगा 30 मिनट में। समझ में आया? At the doctors, at the dentists, जो भी व्यक्ति हो कोई प्रोफेशन वाला, तो उसके आगे आप लगा दोगे apostrophe s, राइट। अगर कोई जनरल सी जगह है तो एट द वो जगह का नाम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू इंडिकेट द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अगर आपको बताना है किसी ट्रांजैक्शन की एग्जैक्ट स्पेसिफिक, एट का यूसेज स्पेसिफिक चीज के लिए होता है, स्पेसिफिक वैल्यू बताने की, कोई चीज आपने कितने में किस वैल्यू में खरीदी या बेची, ट्रांजेक्शन की वैल्यू बतानी, एग्जैक्ट वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, तो आप उस वैल्यू से पहले एट का यूज करके वो बता देंगे। एग्जाम्पल्स, ही सोल्ड हिज बाइक एट 20,000 रुपीज, उसने अपनी बाइक 20,000 में बेच दी, 20,000 में, इन नहीं लगाना, एट 20,000 रुपीज। वी बॉट दिस हाउस एट 44,50,000 रुपीज, हमने ये घर 44,15,000 में खरीदा, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं हम एट का यूज करके। तो अगर आपको भी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है एट का यूज करके तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। अगर आपको गति बतानी है किसी गाड़ी की, किसी व्हीकल की, या किसी काम की भी, जो एक्चुअल गति नहीं है बट गति बतानी है, तो भी आप एट का यूज करके बताएंगे। उस गति से पहले आप एट का यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस, द ट्रेन वॉज रनिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन जो है ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी। स्पीड देखिए, एट का यूज करके हम स्पीड बता रहे हैं इस व्हीकल की स्पीड क्या थी। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, ही वाज ड्राइविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर विच इज ओवर द लिमिट्स। पुलिस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा था, जो कि लिमिट से ऊपर है, राइट। तो अगेन हम एट का यूज करके स्पीड बता रहे हैं व्हीकल की। अब जरूरी नहीं है कि वो स्पीड किसी व्हीकल की हो सकती है, किसी काम की हो सकती है, किसी प्रोग्रेस की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग इट एट अ वेरी स्लो पेस, हम इसको बहुत स्लो पेस में कर रहे हैं, राइट, एट अ स्लो पेस। तो इसकी तो कोई गति नहीं है, फिजिकल गति नहीं है, बट एक गति की बात कर रहे हैं, मतलब कितनी जल्दी जल्दी ये काम होगा, राइट। तो ऐसे भी हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक टाइम इन द क्लॉक। अगर आपको घड़ी वाला समय बताना है, जो घड़ी में टाइम हो रहा है, स्पेसिफिक समय, मतलब क्या है स्पेसिफिक समय का, जो घड़ी में होता है समय, वो बताना है, तो आप एट का यूज करके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग विल स्टार्ट एट 6 PM, 6 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। द मीटिंग विल एंड एट 6:30 PM और 6:45 PM, मीटिंग 6:45 पे खत्म होगी। तो टाइम बताने के लिए, एग्जैक्ट घड़ी वाला समय बताने के लिए आप एट का यूज करोगे। I wake up at 5 a.m. every day. मैं सुबह, हर सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो घड़ी वाला समय बताने के लिए एट का यूज करेंगे। वेरी वेरी सिंपल इट इज। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक टाइम्स इन अ डे। देखिए, दिन में भी स्पेसिफिक टाइम होते हैं, जैसे कि जब सूरज उगता है, सनराइज या डॉन बोलते हैं, जब सूरज चला जाता है उसको डस्क बोलते हैं, सनसेट बोलते हैं।
मिडनाइट रात्रि के 12 बजे के समय को हम मिडनाइट बोलते हैं, डिनर टाइम जब हम डिनर करते हैं, लंच टाइम जब हम लंच करते हैं, तो ये स्पेसिफिक टाइम है दिन के। इन टाइम से पहले भी हम एट यूज करते हैं, एट पार्टिकुलर स्पेसिफिक, और ये समय भी पर्टिकुलर समय है, राइट? तो एट डॉन, एट सनराइज, एट डस्क, एट सनसेट, एट मिडनाइट, एट डिनर टाइम, एट लंच टाइम। एग्जाम्पल्स देखो, वी विल डिस्कस इट एट डिनर टाइम, हम इसको डिस्कस करेंगे डिनर टाइम पे, एट डिनर टाइम। She woke me up at midnight and made me sing. उसने मुझे 12 बजे उठा दिया, midnight के समय 12 बजे उसने मुझे उठा दिया at midnight and made me sing, और मुझसे गाना गवाया। कितनी बुरी लड़की है, how cruel she is. I love being here at dusk या sunset. जब सूरज उदय होता है, मतलब उदय बोलते हैं ना जब चला जाता है, उस समय मुझे यहाँ पर होने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उस समय यहाँ होने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद मिलता है। I love being here at कब, dusk या sunset. तो ऐसे भी हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स, गुड या बैड। देखिए, अगर आपको बताना है कि आप किसी काम में अच्छे हो, किस काम में अच्छे हो या किस काम में बुरे हो, तो बेसिकली गुड के बाद या बैड के बाद या इससे रिलेटेड एडजेक्टिव्स, या ग्रेट, अमेजिंग, या बैड, या टेरेबल, राइट? इन एडजेक्टिव्स के बाद आप एट का यूज करके बताते हो कि आप किस चीज में अच्छे हो और किस चीज में बेकार हो, राइट? तो गुड एट, बैड एट, अमेजिंग एट, टेरिबल एट, डिस्गस्टिंग एट, राइट? तो आप किस चीज में अच्छे हो या बुरे हो, एट का यूज करके बताते हो। एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम ग्रेट एट मेकिंग पीपल लाफ, मैं लोगों को हंसाने में बहुत अच्छा हूं। किस में अच्छा हूं? आई एम ग्रेट एट, आई एम गुड एट, किस में? मेकिंग पीपल लाफ, लोगों को हंसाने में। मैं बोल रहा हूं तो इनका यूज नहीं करना है, मैं करके हिंदी टू इंग्लिश नहीं करनी है। शी इज टेरिबल एट कुकिंग, वो कुकिंग में टेरिबल है, बहुत घटिया है। She is terrible at cooking. In cooking नहीं बोलना है, बच्चे करते हैं, it's a very common mistake, don't do that. John was always good at drawing. John हमेशा से ही drawing में अच्छा था। In drawing नहीं बोलना, बच्चे बोलते हैं बट नहीं बोलना, understand this. अगर आपको बताना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में बेकार हो, तो at का use करना है। Good at, bad at, amazing at, great at, terrible at, disgusting at. Getting the point? Okay, last usage. बिफोर स्पेशल टाइम ऑफ द ईयर, देखिए साल में कुछ स्पेशल टाइम होते हैं, जैसे दिवाली, दिवाली का समय, क्रिसमस का समय, होली का समय, ईद का समय, न्यू ईयर का समय, राइट? अब ध्यान से इसको समझो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं समय की बात कर रहा हूं, मैं दिवाली वाले दिन की बात नहीं कर रहा, मैं न्यू ईयर वाले दिन की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिसमस वाले दिन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं इन दिन की बात करूं कि इन दिन को कुछ होगा, तो मैं ऑन बोलूंगा, ऑन क्रिसमस, ऑन दिवाली, ऑन न्यू ईयर, ऑन दशहरा, ऑन ईद, राइट? बट अगर आप समय की बात करो, दिवाली वाला समय होता है ना कि 3-4 दिन तक चलता है, मतलब आप पहले से ही उस मूड में आ जाते हो, सेलिब्रेशन, कपड़े खरीदने, दिवाली वाला समय होता है वो, तो आप समय के साथ, इस समय के साथ ऐसे अगर यूज कर रहे हो दिवाली वाले समय को, तो एट लगाओगे। न्यू ईयर होता है ना, 2-3 दिन चलता है सेलिब्रेशन, तो एट न्यू ईयर बोलोगे, एट ईद बोलोगे, एट क्रिसमस बोलोगे। अगर आप उस पूरे समय की बात कर, अगर आप उस दिन, पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हो, तो आप ऑन बोलोगे। एग्जाम्पल देखो, ही विल बी हियर एट क्रिसमस, क्रिसमस पे वो यहाँ पर होगा, मतलब क्रिसमस के समय होता है ना, मतलब 1-2 दिन मनाएंगे हम, 3-4 दिन जो भी है, उस समय ये होगा यहाँ पर। उस दिन की बात नहीं कर रहा मैं, उस समय की बात कर रहा हूँ। अगर दिन की बोलता तो मैं बोलता ही विल बी हियर ऑन क्रिसमस, मतलब क्रिसमस वाले दिन को वो यहाँ होगा। अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज विल बी हैपनिंग एट न्यू ईयर, न्यू ईयर के समय बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होंगी, एट न्यू ईयर। दिन की बात करता तो ऑन न्यू ईयर बोलता, राइट? तो ये थे एट के सारे यूसेजेस दैट वी हैव इन इंग्लिश। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस, रिपीट देम, प्रैक्टिस, यही करना है आपको, एंड यू विल बी एबल टू यूज दीज usages of the preposition at whenever you want to, and you'll be able to correct people as well. आप लोगों को correct भी कर पाएंगे। All you have to do is just look at these usages और practice करिए लोगों के साथ, थोड़ा सा अच्छी करिए, that's it. और उम्मीद है lesson आपको अच्छा लगा होगा। Lesson अच्छा लगा हो तो like करना, channel पे नए हो तो subscribe कर लेना, वो घंटा दबा देना, ताकि आगे आने वाले lessons के notification आपको time पर मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। If you have any questions, any doubts, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, पूछिए। और इंग्लिश वाला चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारा कॉन्टेंट है, सारे लेसन मिल जाएंगे। वेबसाइट है उसका लिंक मिल जाएगा, काफ़ी टॉपिक्स वेबसाइट पे भी हैं, हमारा फेसबुक का ग्रुप है, पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है,
वो भी चेकआउट कर सकते हैं डेली, वहां पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो ज्वाइन दीज पेजेस एंड ग्रुप्स, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून. टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन, आई लव यू ऑल, यू नो दिस, आई एम आउट. नमस्कार.